अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है आईलाइनर हैक्स पे। क्या आप घर खुद आईलाइनर्स डिफरेंट टाइप के कैसे लगा सकते हो? पार्लर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अपना फर्स्ट आईलाइनर हैक ट्राई करते हैं। तो यार हम अपनी फर्स्ट हैक ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पे हमने टेप ले ली है। ये वैसे उसने सेलो टेप यूज़ की हुई थी बट हमारे पास वो नहीं थी तो हम स्कॉच टेप यूज़ कर रहे हैं। तो इसने एक अपनी आँख की अपर साइड पर लगाई थी और एक डाउन साइड पर लगाई थी। अब हमने अपर साइड पर लगा ली है और मुझे लग रहा है कि मैंने गलत टेप लगा ली है और अब हम एक डाउन साइड पर टेप लगाएंगे। वैसे मैं लाइनर लगाने में बहुत बुरी हूँ। मुझे वैसे नॉर्मल लाइनर लगाना नहीं आता तो ये तो हैक है। तो ट्राई करते हैं। तो एक हमने डाउन साइड पर टेप लगा ली और ये आपने अपना अपनी आई लैश को ज़रा बचा के लगानी है कि वो ख़राब ना हो जाए। तो अब हमने अपना लाइनर ले लिया। मैं केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं एक मिरर भी ले लूँगी क्योंकि नज़र तो आता नहीं है। तो गाइस अब मैं अपना लाइनर ट्राई करने लगी हूँ। अल्लाह करके सही लग जाए यार। इसने ना काफ़ी बड़ी विंग बनाई थी जो मैंने वीडियो में देखी थी तो मेरी भी शायद वैसी बन जाए। और लेफ्ट हैंड से ज़्यादा लाइनर लगाना थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि और एक मुझे ये भी बड़ा इशू आता है कि एक आंख पे लग जाता है और सेकंड आंख पे डिफरेंट लाइनर लग जाता है। और ये आज तक कैसे होता है मुझे नहीं पता बट हो जाता है। तो हम बस अब लगा रहे हैं, लग जाए सही। जो आपकी साइड एजेस है ना इस पर आपने थोड़ा सा ना लाइट सा लाइन लगानी है बस एक तरफ। तो बस हमारा ये लाइनर हैक फर्स्ट आई लाइनर हैक लग गई है। अब हम इसको एक मिनट सुखा लेंगे कि सही से सूख जाए। उसके बाद मुझे बहुत बुरी लग रही थी मेरी आँख, मैं ही टेप उतारने लगी हूँ। हाय कुछ बेहतर बन जाए। हाँ अच्छी लग रही है। इसको हम थोड़ा सा इसको एक फ्लिप दे देते हैं कि और अच्छी लगे। हाँ अब मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो हमारा फर्स्ट आईलाइनर हैक हो गई। अब हम अपनी सेकेंड आईलाइनर हैक ट्राई करने लगे हैं। वो थी कि एक पिन थी ब्लैक पिन, उस पर उन्होंने ना हाथ पे लाइनर लगा के ना उस पेन पे लगाया था। तो अब हम ये ट्राई करने लगे और ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल भी काम नहीं करेगी क्योंकि उसकी पेन की शेप थोड़ी सी चेंज थी और जो मेरी पेन थी ना उसकी शेप मतलब थोड़ी सी चेंज थी। तो मुझे लग रहा है कि नहीं लगेगी। तो नहीं शायद मेरी पेन सही नहीं है इस वजह से नहीं लग रही या है कि फेल है। तो हम इसको डायरेक्ट ना आईलाइनर ब्रश को ना इस पर लगा के देखते हैं कि ये लगती है कि नहीं लगती है। तो अब हमने आईलाइनर ब्रश लगा लिया इस पर और हम इसको अब ट्राई करने लगे हैं। तो अब हम अपनी आँख पर लगाने लगे हैं। अल्लाह करे सही लग जाए, पता नहीं क्या बना है बट अब हम इसकी फ्लिक बनाते हैं। देखो सही बनती है कि नहीं बनती। मेरा ब्रश भी शायद थोड़ा सा ख़राब हुआ था ना, सिर्फ फ्लिक नहीं बन रही थी बट पता नहीं तो था लाइनर ब्रश ही। जो मतलब मैं लाइनर लगाती हूँ ना बहुत ही सिंपल सा होता है तो मेरे से सही लग जाता है। मेरे ख्याल से मेरे से नहीं, बहुत बुरी लगी है मेरी आँख। आय हाय ये बिल्कुल फेल है। डोंट ट्राई गाइस। बट मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करूँगी इसको इस टाइप की जो पेन थी ना उसके साथ तो शायद सही लग जाए। तब हम अपनी थर्ड हैक ट्राई करने लगे। वो भी एक टेप से ही उसने ट्राई की हुई थी बट एक स्मॉल सी टेप थी उससे उसने ना फ्लिक बनाई हुई थी। तो अब हम भी इससे एक फ्लिक बनाएंगे। बन गई तो ठीक, नहीं बनी तो भी ठीक। तो हम अपनी फ्लिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी आंखें इतनी स्वेल हो गई थी कि मुझे मेरी आंखों में इतनी दर्द हो रही थी। तो फिर भी हमने कहा नहीं आज हमने डिफरेंट टाइप की हैक्स ट्राई करनी करनी है। तो हमने अपनी फ्लिक बना ली थी और हाँ यार अच्छी लगती है लेकिन ये थोड़ी सी शेप में होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। देख लो तुम लोगों की बहन ने फिर भी शेप बना ही ली है। तो यार ये अब मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। पहले ये ठीक लग रही थी, अब मैं इसकी ज़्यादा फ्लिक बनी है ना तो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। इससे पहले मैं लाइनर की फ्लिक और लंबी करती हूँ बस ठीक है काफ़ी है। अब हमने ये अपनी आई शेडो किट ली थी। इससे हमारा फोर्थ हैक था। इस पे उसने आईलाइनर ब्रश को ना
पानी में रख के ना 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको गीला किया, और उसके बाद ना इसने उस पर आई शेडो लगाया, और आई शेडो से इसने लाइनर लगाया। तो ये मुझे बड़ा कूल हैक लग रहा था कि जो आई शेडो होता है वो तो आपका लाइक ख़राब भी नहीं होता और फैलता भी नहीं है, तो ये हैक मुझे बहुत पसंद आई थी। तो देखो अब ये हैक सही होती है कि नहीं। यार बड़ा फिट जा रहा है इसे। आपने ना मेकअप का ही अपना कोई ब्रश ले लेना, मेरे पास ब्रश की किट थी तो उसमें मुझे मेरे पास ये ब्रश था तो मैंने वही ब्रश यूज़ किया था, और मुझे बड़ी फिट लग रही थी क्योंकि लाइक ये बिल्कुल स्ट्रेट थी और बिल्कुल कमाल की आफ्लिक बनी थी यार। दैट्स गुड। ये वाली हैक मैं ट्राई करूँगी फिर से कहीं आने जाने वक्त। ये हैक मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि बहुत ही स्मूथ लाइनर लगा था, और हम इसको ऊपर से थोड़ा सा ना थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं कि नज़र तो है, लेकिन जो सिर्फ एक लाइन आई लाइनर होता है ना मुझे बहुत कमाल का लगता है। तो ये हमारा गाइज लग गया है आई शेडो लाइनर, तो आप देख सकते हो ये बहुत ही मुझे कूल सा लग रहा है। और अब मैं आपको वो आई लाइनर हैक लगा के दिखाती हूँ जो मतलब मैं नॉर्मली ना अपनी अब कहीं पर मैं आने जाने वक्त लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला बड़ा पसंद है, बड़ा नॉर्मल सा लगता है। तो ये वो हैक, ये कोई हैक नहीं है, ये मैं जो लाइनर लगाती हूँ ये वो है सिंपल सा। तो जस्ट आपने हल्की सी साइड से फ्लिक बना लेनी है, और आपने इस लाइनर को ना एक ही मतलब सही एक ही साइज़ में रखना है, कहीं से छोटा या वो मतलब ये क्या कह रही थी मैं, मतलब जो एंड है ना उससे आपने थोड़ा सा उसको पतला रखना है, वहाँ से ना ऊपर से थोड़ा सा उसको ना आपने मतलब ऐसे करने के नज़र आए। तो मैं कंफ्यूज हो गई मैं क्या कहना चाह रही थी, बट ये इस टाइप का मुझे लाइनअप बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा एक साइड पे लग गया, और अब हम अपनी सेकंड साइड पे भी लगा लेते हैं। ये देखो ये मैजिक हुआ, हमारी सेकंड साइड पे लाइनर लग गई है। अब हम ट्राई करने लगे हैं इसके ऊपर मस्कारा। तो यार मेरे पास इतना ज़्यादा मस्कारा था लेकिन सब ही सूख गए थे, ख़त्म हो गए थे शायद। तो फिर हमने एक इसकी हैक ट्राई की। तो ये हैक ये थी कि इन्होंने ना लाइनर ना इस पर लगा के, उनके पास लिक्विड लाइनर था, उन्होंने इस पर लगाया अपने मस्कारे पे, तो वो हमारे पास था नहीं, तो हमने ये केक लाइनर पे लगा लिया, और हम इसको मस्कारे को ट्राई करने लगे, और ये बड़ा ही फिट मस्कारा लगा था यार। तो गाइज ये वाली हैक तो मेरी मतलब बेस्ट थी क्योंकि मस्कारा मेरे पास ज़्यादातर नहीं ही होता, तो ये मुझे हैक बड़ी कमाल की लगी थी। और गाइज अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो न्यू वीडियोस के लिए, न्यू हैक्स के लिए। तो होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या नहीं भी आई तो इस पर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये बड़ी ही फिट हैक थी, ये वाली हैक मेरी फेवरेट थी, और कुछ लाइनर की हैक फेवरेट थी, कुछ लग गई थी और कुछ बस नहीं लगी थी, और मेरी आंखें इतनी स्वेल हो गई थी कि मुझे आंखों में दर्द शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा ये मेरी बस लास्ट है, अब हम इंशाल्लाह आपको मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस, ख्याल रखना।